मोबाइल के सिलसिले में क्या गलतियां आम तौर से लोग करते हैं। नंबर एक, इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लेना, क्योंकि जितना महंगा होगा उतना इंस्टॉलमेंट पे ईएमआई उसका इतना है, उसका ये ऐसा है, उसका वो ऐसा है। सूदी कर्ज के ज़रिए से बहुत सारे लोग मोबाइल लेते हैं, ख़ास तौर से महंगे मोबाइल जो आते हैं आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सूद के ज़रिए से उसको ख़रीदते हैं। तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लान अल्लाह रिबा व आकिलहु व मुकिलहु, अल्लाह ताला की लानत हो या अल्लाह ने लानत की है रिबा पर और उसके खाने वाले पर, उसको खिलाने वाले पर। व कातिबहु व शाहिदहु, और उसके लिखने वाले, डॉक्यूमेंट उसके बनाने वाले पर, और इसी तरह से उसके लिए गवाह बनने वाले पर। वहुम यालमून, जबकि वो जानते हों कि रिबा हराम है। इन्हें जानते बूझते सूद खाने वाला, खिलाने वाला, और इसी तरह से उसका लिखा पढ़ी करने वाला और उस पर गारंटर बनने वाला, उसकी गवाही देने वाला, इन सब पर क्या है? लानत है। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे इतना महंगा मोबाइल है, इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, 18,000 में आ रहा है या 20,000 में आ रहा है, एक काम करेंगे, तुमको ईएमआई या जो भी होता है क्या करेंगे, 2,000 3,000 से तुमको मिल जाएगा। उसमें क्या होता है? सूद होता है। वो बैंक से कर्ज करा के दिलाते हैं, ये जायज़ नहीं है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे जूते चप्पल हो, या जो भी हो, कोई भी चीज़ आदमी अगर सूद पर ख़रीदता है तो ये जायज़ नहीं है। सूद हराम है, लेना देना सब कुछ हराम है। ये गलती इस सिलसिले में होती है।